अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुसिफ शेख और हमेशा की तरह मुसिफ टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो यहां पर फिर से मैं आपके लिए एक नई थीम लेकर आ चुका हूं। आपके Redmi Note 6 Pro के फ़ोन को अब बनाइए iPhone X। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ MIUI 11 के थीम के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक फिर से एक नई थीम लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए इस थीम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं डायलर को। तो डायलर आपको iOS का देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। उसके बाद कॉन्टेक्ट में भी आपको यहाँ पर iOS का लुक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें मैसेजेस की, तो मैसेजेस में आपको कुछ इस तरह का iOS का लुक देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करें सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग्स में भी सारे आइकन जो है वो चेंज हो चुके हैं और बिल्कुल ही iOS के आइकन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको Redmi Note 6 Pro का फ़ोन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल ही iPhone X की तरह लग रहा है। इस थीम में काफ़ी अच्छा ये थीम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम चलते हैं अब व्हाट्सएप में। यहाँ पर मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। इस थीम की यही खासियत है कि यहाँ पर आपको थीम में व्हाट्सएप भी चेंज हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन पैनल को, स्टेटस बार को। नोटिफिकेशन पैनल में आप देख सकते हो इसके काफ़ी सारे आइकन जो है वो चेंज हो चुके हैं। और ख़ास करके बात करें स्टेटस बार की, तो यहाँ पर सिग्नल आइकन और बैटरी आइकन आपको देखने को मिल जाता है iOS का। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप डार्क मोड यूज़ मत करिएगा। अगर आप डार्क मोड यूज़ करोगे तो यहाँ पर इसके सभी सेटिंग्स जो है वो यहाँ से वहाँ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप डार्क मोड को ऑफ ही रखिएगा। तो बात कर देते हैं अब लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आईफोन का लुक देखने को मिल रहा है, आईफोन एक्स का, जो कि आप देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा। अगर आप करते हो नोटिफिकेशंस पैनल को इनेबल, और कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्लैश लाइट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी सारे आइकन्स जो है आप यहाँ से सेटिंग्स भी कर सकते हो नोटिफिकेशंस पैनल की, लॉक स्क्रीन की वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें इसके आइकन्स की, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर iOS के आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बात करें इसके फ़ॉन्ट की, तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया है कि कौन से फ़ॉन्ट यहाँ पर ये आते हैं iOS के। तो बात करें फ़ॉन्ट की, तो काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर iOS के फ़ॉन्ट भी आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इस थीम को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले थीम स्टोर पर जाना है आपको। यहाँ पर थीम स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है iOS Bose वर्जन 11। यहाँ पर दो थीम मैं आपको बताऊँगा, दो थीम का कॉम्बिनेशन है जब जाकर हमने यहाँ पर ये थीम क्रिएट किया है। iOS Bose वर्जन 11 आपको पता होगा, ये थीम शायद आपने ये इस्तेमाल भी किया होगा। इसको यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में अप्लाई करना है फ्रेंड्स, याद रखिए सिस्टम में सिर्फ अप्लाई करना है आपको, बाकी किसी में इसे अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए हम कर सकते हैं इसे अप्लाई सिस्टम में। यहाँ पर मेरे फ़ोन जो है वो मैंने बदले हुए हैं, मैं आपको इसको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर दूसरा जो थीम है उसका नाम है iOS 13X Pro। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस थीम को जो है सिस्टम को छोड़कर सभी में, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, यहाँ पर सभी में आपको ये अप्लाई कर देना है सिस्टम को, बाकी रखकर सभी में आपको लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और आइकन्स में आपको ये थीम जो है वो अप्लाई कर देना है, क्योंकि यही लुक देता है आपको iPhone 10 का आपके Note 6 Pro में। तो अब फ़ॉन्ट की बात करें, तो फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल ही iPhone एक्स के। तो हालवेटिका नाम के यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी थीम का नाम दे दिया है, आप यहाँ पर इसे अप्लाई करके रिबूट कर दीजिएगा और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए Xiaomi और Redmi फोन यूजर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की स्टे अपडेटेड विद टेक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।